बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां समर्थकों ने रोका शिवराज का काफिला। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर रोका काफिला। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, काफिला रुकवाकर कार्यकर्ताओं से मिले पूर्व सीएम शिवराज। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने लगाए मामा मामा के नारे। तो बड़ी खबर है ये, जहां शपथ ग्रहण के बाद यहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों ने उनका काफिला रोका है। बड़ी खबर है भोपाल से इस वक्त की, आपको बता रहे हैं, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर काफिला रोका गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आज 24/7 पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफिला यहां पर रोका गया है। आप देख सकते हैं उनके समर्थकों ने मामा मामा के नारे भी लगाए हैं। तो गाड़ी रोककर, अपना काफिला रोककर मामा अपने सभी समर्थकों से मिलने के लिए नीचे उतरे थे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं भोपाल से, ये तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह के बाद की तस्वीरें हैं। जब स्टेडियम से निकल रहे थे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, तब यहां पर उनके समर्थकों ने उनका काफिला रोका और मामा मामा के नारे लगाए हैं। मध्य प्रदेश की शान है, मध्य प्रदेश की शान है, मध्य प्रदेश की शान है। महान पूर्व मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के कार्यकर्ताओं का विशाल हुजूम दिखाई दे रहा है। इसी खबर पर बातचीत के लिए प्रदीप तलरेजा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये वाकया आपने अपनी आंखों से रिकॉर्ड किया है, कैद किया है, अपने सामने ही देखा है, ये कैसे बना माहौल? ये सभी कार्यकर्ता जो यहाँ शपथ ग्रहण में आए थे, वो सभी शिवराज सिंह चौहान की तरफ आकर्षित हो गए क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्या, कैसे उनका प्रेम रहा है, कैसे अपने कार्यकर्ताओं से, भांजे भांजियों से, या जो तमाम जो लोग थे उनके साथ जिस प्रकार का जुड़ाव जो था, वो जरूर इस तस्वीरों में देखा जा सकता है। देखिए, सबसे बेहद तस्वीर ये है कि एक तरफ जहां मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, और जब वहां पर पहुंचने वाले थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तब ये जो काफिला था जब वहां से निकल रहा था, जब वो कल परेड ग्राउंड पहुंचने वाला, तो वहां पर जो समर्थक थे शिवराज सिंह चौहान के, वो बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, और जब उनको ये मालूम पड़ा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला है, तो वहां पर उनसे रहा भी गया, उन्होंने शिवराज जी के नारे लगाए हैं। और देखिए, इसी का वजह थी, जब शिवराज सिंह चौहान का इतना प्यार जो जिस प्रकार से मिलता है जनता के प्रति, जनता के साथ उनका मिलता है, तो उनकी भावना, जन भावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री खुद उतरे हैं और वहां पर उन्होंने मुलाकात की लोगों से, और लोगों का जो प्रेम था उनके प्रति, वो स्पष्ट रूप से इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। कैसे लोग मामा के जिद कर रहे थे और मामा के साथ रहने की बात कहते, लगातार पूरा समर्थन उनको देने की बात, देखिए तस्वीरें कहीं ना कहीं से जरूर इशारा करती, हालांकि मुख्यमंत्री कोई भी रहे, लेकिन आज भी जो सबसे बड़ा प्यार जो है वो जनता का, वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के साथ में अर्जित किया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 16 वर्षों में अर्जन किया है इस लोकप्रियता का, लेकिन क्या इसे हिडन डिप्लोमेसी के रूप में भी देखा जा सकता है? प्रदीप, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार ये कहते हुए तो नजर आ रहे हैं कि मैं शुभकामनाएं देता हूं, मैं आने वाले पीढ़ी के लिए हस्तांतरित करता हूं, लेकिन उनका अंदाज जो है वो अभी भी वैसा का वैसा है। अभी मंच में जब वो गए, तब उन्होंने पूरे हाथ हिलाकर अभिवादन किया सभी का, और फिर उन्होंने लाडली बहना योजना के संदर्भ में भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि लाडली बहना योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी जिसने चुनाव जिताया। तो क्या हिडन डिप्लोमेसी या कोई संदेश माना जा सकता है? देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, तो देखिए ये हमने देखा है कि जिस प्रकार से नीचे व्यक्ति को उठाकर ऊपर शीर्ष तक ले जाना, ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था रही है।
और हमेशा कैडर बेस्ड पार्टी जो है वो माना जाता है भारतीय जनता पार्टी को, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि ये तमाम चीजें जो है वो देखने में आ रही हैं। लेकिन जनता जनता के मन में क्या था वो तो जनता ने इस चुनाव में दिखा दिया। लेकिन देखिए, अगर पार्टी लेवल की अगर बात करें तो पार्टी ने, क्योंकि एक पार्टी इस पूरे विचारों के साथ चलती है, सभी को साथ में लेकर चलती है, और जब विधायक दल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित किया जाता है तो वो मध्य प्रदेश का ही अगला मुख्यमंत्री या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है। तो देखिए, ये व्यवस्था जरूर रही है, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान के जैसे बयान हमने देखे थे चुनाव के आचार संहिता के दौरान में भी, हमने देखे जब मंचों से वो जाते थे, इस बात को कहते थे मैं चला जाऊंगा तो बड़ा याद करोगे, तमाम प्रकार के बयान कहीं ना कहीं वो उन्होंने मंच से दिए थे, और शायद यही एक बड़ी वजह जो है कही जा सकती है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अपार प्यार और दुलार जो है वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को मिला है, और आज उसी का परिणाम है कि जब मध्य प्रदेश में लगभग 16 से 17 सालों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्ता पर काबिज थे और लगातार जो घोषणाएं थी और जो उनके मन में जो और एक चीज और है प्रदीप, उन्होंने आज कह दिया जस की चदरिया तस रख दीनो, उन्होंने दोहा भी आज प्रॉपर बोला कि जो चदरिया जैसी पाई थी वैसी रख दी। तो शिवराज सिंह चौहान भी एक मझे राजनीतिज्ञ हैं, लगातार जनता को कहीं ना कहीं आकृष्ट करते हुए, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए पेड़ लगाने का जो उन्होंने खुद मोहन यादव से प्रस्ताव कर दिया कि मुझे पेड़ लगाने के लिए सरकारी जमीन दी जाए, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच बने रहने का इरादा तो ठान चुके हैं, ये तो स्पष्ट है। देखिए, निश्चित तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से तमाम बातें उन्होंने कही है चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद, देखिए जिस प्रकार वो चुनाव जीते और कई उन जगहों पर पहुंचे, देखिए सबसे पहले उन्होंने छिंदवाड़ा का रुख किया, छिंदवाड़ा में पहुंचे वहां पर उन्होंने जो कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की, उनसे विचार विमर्श की, लाडली बहनों से मुलाकात की, ऐसे कई तमाम चीजें रही हैं जिसको लेकर के उन्होंने काम किए। देखिए, इसके बाद लगातार वो अलग अलग क्षेत्रों में गए और उनका एक ही लक्ष्य था कि मध्य प्रदेश में अब 29 नहीं, इस वक्त छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण खबरें आई हैं आगे शपथ ग्रहण समारोह में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए और साझी जानकारी साझा करने के लिए।